टीवी को जब बेटियों से के लिए न्याय मांग रहे थे, बेटियां यहाँ रो रही थी कि उनका शोषण हुआ और आरोपी को सजा दी जाए, वो 30 सेकंड की क्लिप भी उन टीवी वालों ने नहीं दिखाई, 30 सेकंड की क्लिप भी। और एक महिला के सवालों से, एक आम महिला के सवालों से, एक किसान की बेटी के सवालों से, सच के सवालों से, सरकार और मीडिया में बैठे सरकार के दल्ले इतना डर गए कि वो एक महिला को 15-15 मिनट टीवी नेशनल चैनल दे रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता था कि मैंने अपनी विधवा बहनों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ 2.25 साल भूख हड़ताल करी, एक ही टाइम रोटी खाई, 11-11 दिन मैंने आमरण अनशन किया यहाँ जंतर मंतर पे, और बहुत बार दिल्ली पुलिस के डंडे भी खाए, यहाँ तक कि मेरे को बलात्कार की भी धमकी दी। 14 महीने बाद FIR दर्ज हुई दिल्ली में और 30,000 कोर्ट में भी केस चल रहा है जो आज तक ढूंढ ना पाए। तो उसके बाद अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को, सरकार से सीधा निडर होकर कोई सवाल करने वालों को, और कोई पीड़ित है पीड़िता का साथ देने वालों को, अगर टीवी पर कुछ बैठे कुछ लोग बिना दिमाग के, कुछ लोग अगर वो आंदोलन जीवी कहते हैं, तो फिर मैं गर्व से कहूँगी हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। अगर किसी के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना आंदोलन जीवी है, तो गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों का जो आंदोलन है वह लगातार आगे बढ़ रहा है। खाप पंचायतों का जंतर मंतर पर फैसला हुआ, वह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अब लगातार आंदोलन बना रहेगा। हमारे साथ इस वक्त आंदोलन के सबसे बड़े नाम के रूप में उभरी सहयोगी साथी हैं आंदोलनकारियों की। क्या हुआ उस रात के बाद? उस रात को यहाँ पे जो गद्दे गिले हो गए थे बारिश की वजह से, तो लड़कियों ने, खिलाड़ियों ने टेम्पो में वो मंगवाए थे फोल्डिंग चारपाई, और जब वो टेम्पो से उतार रहे थे तो पुलिस वाले मना कर रहे थे, और उन पुलिस वालों ने कही उन्हें दारू पी हुई थी, और वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लगे खिलाड़ियों को, और खिलाड़ियों को धक्के मारे, महिला खिलाड़ियों को धक्के मारे पुलिस पुरुष ने, और उसके बाद उनके बाल भी खींचे गए। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ही घटिया हरकत थी पुलिस की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ऐसी हरकत की उन्होंने। उसके बाद फिर सारी रात यहाँ पुलिस ही पुलिस पड़ी रही, और हमारे जब गांव से लोग, यूपी से, राजस्थान से सब लोग चलने लगे कि हम खिलाड़ियों के पास पहुँच रहे हैं, तो पुलिस ने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया, बैरिकेड लगा दिए, चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए, और बसों में भर भर के डिटेन कर करके उनको अलग अलग थानों में छोड़ा गया। तो सरकार की जो ये तानाशाही है, वो जो आरोप लगाने वाली बेटियां हैं उनके साथ कर रही है, जो आरोपी है, जो बलात्कारी है, उसको गिरफ्तार करने की पुलिस में हर हिम्मत नहीं है। मैं दिल्ली के कमिश्नर से पूछना चाहती हूँ कि आपकी बेटी होती इन साथ की शिकायतकर्ताओं में, या किसी बड़े नेता की बेटी होती, किसी मंत्री की बेटी होती शिकायतकर्ता में, तो क्या तब भी कमिश्नर साहब इतनी देर लगाते? तो क्या बेटियों में ये भेदभाव करते हैं कि एक मंत्री की बेटी है तो उसकी इज्जत बड़ी है, और एक गरीब परिवार की बेटी है तो उसकी इज्जत छोटी है? बेटियां बेटी होती है, वो ना किसी जाति की होती, ना धर्म की, बेटी की इज्जत सबकी बराबर होती है, चाहे वो फकीर की बेटी हो या देश के राष्ट्रपति की बेटी हो। कहा यह जा रहा है, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ये आंदोलन है यह साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, फलां की साजिश है। जो बेटियों ने आरोप लगा, क्या आप लोग सोच रहे हैं कि बेटियाँ झूठ बोल रही हैं? नहीं, मैं आपसे पत्रकार होने के आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या ये इंटरनेशनल खिलाड़ी इतना बड़ा झूठा आरोप लगाएंगी? निष्पक्ष जांच तो करें। अगर मान लीजिए दूसरी पार्टियां थोड़ी से, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं दूसरी पार्टियां का आंदोलन है, लेकिन बेटियों ने जो आरोप लगा उसकी तो जांच करो। मैं बोल रही हूँ कि निष्पक्ष जांच करो। अगर ब्रजभूषण आरोपी पाए जाते हैं तो उनको जेल में डालो। अगर बेटियाँ झूठ बोल रही हैं तो इनको सजा दो। जांच तो करें पहले। ऐसे कैसे कह दिया अपने गुनाहों को छिपाने के लिए? वो एक आदमी कुछ भी बोल रहा है और आप लोग उस पर भरोसा कर रहे हो? वो गुनहगार है तभी तो वो इतना क्यों शिकायतकर्ताओं के घर उन्होंने आदमी भेजे? आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगाओगे तो फिर मैं क्यों वो करूँगी, किसी को डराने की धमकी करूँगी? जब तक अगर मेरे को पता कि मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, तो मेरे को डर किस बात का? आए पुलिस जाँच करे। आप लगातार आंदोलन में हैं, संघर्षों में हैं, आपको लेकर एक टीवी चैनल ने कार्यक्रम बना दिया, कहा कि ये महिला हर जगह आंदोलन में पाई जाती है। देखा, टीवी को जब बेटियों से के लिए न्याय मांग रहे थे, बेटियां यहाँ रो रही थी कि उनका शोषण हुआ और आरोपी को सजा दी जाए, वो 30 सेकंड की क्लिप भी उन टीवी वालों ने नहीं दिखाई, 30 सेकंड की क्लिप भी। और एक महिला के सवालों से, एक आम महिला के सवालों से, एक किसान की बेटी के सवालों से, सच के सवालों से, सरकार और मीडिया में बैठे सरकार के दल्ले इतना डर गए कि वो एक महिला को 15-15 मिनट टीवी नेशनल चैनल दे रहे हैं, सबसे बड़ा चैनल इस देश का। जिन लोगों को नहीं पता था कि मैंने अपनी वीर नारियों के लिए संघर्ष किया है, जिन लोगों को नहीं पता था कि मैंने अपनी विधवा बहनों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ 2.25 साल भूख हड़ताल करी, एक ही टाइम रोटी खाई, 11-11 दिन मैंने आमरण अनशन किया यहाँ जंतर मंतर पे,
और बहुत बार दिल्ली पुलिस के डंडे भी खाए, यहाँ तक कि मेरे को बलात्कार की भी धमकी दी। 14 महीने बाद FIR दर्ज हुई दिल्ली में और 30,000 कोर्ट में भी केस चल रहा है जो आज तक ढूंढ ना पाए। तो उसके बाद अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को, सरकार से सीधा निडर होकर कोई सवाल करने वालों को और कोई पीड़ित है पीड़िता का साथ देने वालों को, अगर TV पर कुछ बैठे कुछ लोग बिना दिमाग के कुछ लोग अगर वो आंदोलन जीवी कहते हैं तो फिर मैं गर्व से कहूंगी हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। अगर किसी के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आंदोलन जीवी है तो गर्व से कहती हूँ कि हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। वो पत्रकार कौन से जीवी है? वो पत्तल चाट, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है पत्रकारिता। जब ये अपने कसम खाते हैं कि हम निष्पक्ष दिखाएंगे बिना बिके, लेकिन जब पहले कहते थे ना कि पत्ता, अभी जो न्यूज़पेपर आते हैं उनमें भी बहुत से न्यूज़पेपर तो अच्छा ही सच्चाई भी दिखाते हैं, बहुत से TV पर बैठे लोग, तो बहुत कम चैनल ऐसे बचे हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं। अगर सच्चाई दिखाई होती तो बेटी को 15 दिन यहाँ बैठना पड़ता? अगर उन्होंने सच्चाई दिखाई होती, इन बेटियों का चेहरा दिखाया होता, आखिर बेटियों के साथ शोषण हुआ है और आरोपी यही आदमी है, कब का गिरफ्तार हो गया होता? पत्रकार तो दिखा रहे हैं ना ना, ये तो राजनीति हो रही है। अरे तुम लोगों ने, मैं पूछना चाहती हूँ भारत सरकार से, आपने मौका क्यों दिया विपक्ष को राजनीति करने का? 2 साल पहले ये ही बेटियाँ प्रधानमंत्री जी के पास गई थी, प्रधानमंत्री जी को भी इन्होंने अपनी शिकायत बताई, क्यों नहीं जांच की? 3 महीने पहले भी ये बेटियाँ यहाँ आई थी, तब सरकार ने कहा कि हम आपको न्याय देंगे, कमेटी बनाई, क्यों नहीं न्याय दिया? अगर 3 महीने पहले उस आदमी पे जांच की होती, उसको गिरफ्तार किया गया होता, आज ये लोग यहाँ नहीं बैठे होते। और ये लोग यहाँ नहीं बैठते तो कौन पार्टी आके यहाँ राजनीति करती? राजनीति करने का मौका कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, खुद सरकार दे रही है। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो सरकार के लोगों को लगता होगा कि भाई कौन सी पार्टी का MLA आया, कौन सी पार्टी का सांसद आया। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं खिलाड़ियों के समर्थन में, हम लोगों को तो यहाँ आने वाला हर लोग एक सिवर समर्थक के रूप में दिखाई देता। हम ये नहीं देखते फलानी पार्टी का या धकड़ी का, वो TV वाले या पार्टी वाले जानते हैं। धन्यवाद। जनज्वार, जनता की मीडिया।